बोलो। हाँ बोलिए भाई। आप लोगों की मीडिया का सबका प्यार और पूरे लोगों का आशीर्वाद से उशीला पुलिस ने राखी की कंप्लेन ले ली है, उसको इंसाफ मिलेगा। वो रोई है, चिप चिप के रोई है, मेरी कंप्लेन ले ली और पुलिस ने एक्सेप्ट कर ली है और सारे जो इस लगाए थे जितनी भी धारा लगाई थी सारी एक्सेप्ट कर ली है और बहुत जल्द राखी भी आ रही आप लोगों के पास और बाकी सारी बातें बता देगी। पुलिस ने हमारी तरफ से पूरी इंक्वायरी ले ली है। थैंक यू सो मच। आप इतने सुबह से राखी के सपोर्ट के लिए आप लोग सब वेट कर रहे थे और अभी जाके पूरा क्लियर हो चुका है और सारी बातें एक्सेप्ट कर ली है पुलिस ने, सारी धारा एक्सेप्ट कर ली है और बस 10 मिनट में राखी आएगी और आपसे बात करेंगे। अभी के लिए आगे की कार्रवाई होगी, जो भी धाराएं लगाई हैं, जो भी पुलिस के हिसाब से जो भी इंक्वायरी होती है, अगर उसका अरेस्ट होना है और जैसे भी जो धारा लगी है उस धाराओं के हिसाब से, माइक हटा है कौन, उस धाराओं के हिसाब से पुलिस करती है वो पूरा भी करेगी। नहीं, वो जो सारी चीज़ें अभी बस 15 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, जो सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है पुलिस की इंक्वायरी, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनकी जो क्वायरीज होती है वो पूरी करते हैं वो लोग, प्रॉपर चार्जशीट बनता है वो पूरा कर रहे हैं वो काम और सारी चीज़ें 15 मिनट में हो जाएगी। उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा और जो उनकी धाराएँ हैं उसके हिसाब से जो पुलिस फॉलो करती है वो पूरा आदर के साथ होगा। सुबह इधर ही आने हैं, हाँ कल का है वो तो बताएंगे, अभी राखी बता देगी कल का क्या है। ऐसे तो मम्मी की 13वीं है तो हमारे मेरे घर पे पूजा है और मेरी मुंडन है हिंदू समाज, हिंदू समाज के हिसाब से। बाकी अभी जो होना है वो पूरा हो चुका है और पुलिस ने राखी को बहुत संभाला है उशीला पुलिस स्टेशन ने और सीनियर ने और फाइनली सारी जो कंप्लेंट्स इराकी की जो उसके साथ जो बीता है, उसको जो मारा गया, उसके पर जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसकी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है और बस थैंक यू सो मच। आप लोग वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा राखी आ जाए। थैंक यू।